हरियाणा रोडवेज कर्मचारी महासंघ ने ऐलान किया है कि अगर विभाग के आला अधिकारियों और सरकार ने उनकी 31 सूत्रीय मांगों पर विचार नहीं किया तो कर्मचारी फिर से आंदोलन की राह पर जाएंगे। इसके लिए आगामी 10 दिसंबर को रोहतक में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा और उसी समय रणनीति की घोषणा की जाएगी। रोडवेज कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि तालमेल कमेटी ने पिछले दिनों 31 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा था, जिसमें साल 2016 में लगे चालकों को पक्का करना, विभाग में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को नियमित करना जैसी प्रमुख मांगे शामिल हैं, जिन्हें लेकर डिपो स्तर पर सम्मेलन किए जा रहे हैं। कर्मचारियों से विचार विमर्श करने के बाद फैसला लिया गया कि मांगे पूरी नहीं हुई तो बैठक कर रणनीति तैयार की जाएगी। अब हम आने वाली 10 तारीख को 10 दिसंबर को राष्ट्रीय हरियाणा की एक मीटिंग बुलाई है पूरे कर्मचारियों के रूप में आगामी रणनीति के लिए। 5 नवंबर को हमने डीजी साहब को जो है मांग पत्र दिया था, जिसमें सभी कैटेगरी उसमें शामिल हैं। 31 सूत्रीय मांग पत्र है, उसके ऊपर हम डीजी साहब से कह के आए थे। हमारी मुख्य मांगे जैसे वर्कशॉप की छुट्टियां काट रखी हैं, 92 के जो ड्राइवर हैं उनका जो स्केल का मामला है, कंडक्टर का स्केल का मामला है, कम तनख्वाह है कंडक्टर की ड्राइवर की, उसमें डिफरेंस है, ये पुरानी पेंशन बहाली है तो उसमें इसी तरह से बोनस है 3 साल का अटका हुआ गवर्नमेंट के पास, और 16 के जो ड्राइवर को रेगुलर करो, कच्चे कर्मचारी सभी को रेगुलर करो, इस तरह 31 मांग है।